मुझे बहुत अच्छे से पता है, आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस। मुझे बहुत अच्छे से पता है, आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? डू यू एक्सेप्ट माई कंडीशन? क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? डू यू एक्सेप्ट माई कंडीशन? मैंने ये सवाल तुमसे पूछा है, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू। मैंने ये सवाल तुमसे पूछा है, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू। ये सरप्राइज नहीं रहेगा, इट वॉन्ट रिमेन अ सरप्राइज। ये सरप्राइज नहीं रहेगा, इट वॉन्ट रिमेन अ सरप्राइज। मैं शायद अपना सब्र खो दूँ, आई मे रन आउट ऑफ पेशेंस। मैं शायद अपना सब्र खो दूँ, आई मे रन आउट ऑफ पेशेंस। वैसे तुमने ऐसा क्यों किया? बाय द वे व्हाई डिड यू डू सो। वैसे तुमने ऐसा क्यों किया? बाय द वे व्हाई डिड यू डू सो। ना तो मुझे वो फिल्म पसंद आई और ना ही उसके गाने। नाइदर डिड आई लाइक द मूवी नॉर इट्स सॉन्ग। ना तो मुझे वो फिल्म पसंद आई और ना ही उसके गाने। नाइदर डिड आई लाइक द मूवी नॉर इट्स सॉन्ग्स। आपने कप उल्टा पकड़ा हुआ है, यू आर होल्डिंग द कप अपसाइड डाउन। आपने कप उल्टा पकड़ा हुआ है, यू आर होल्डिंग द कप अपसाइड डाउन। यह तो मुझ पर छोड़ दो, यू लीव दिस टू मी। यह तो मुझ पर छोड़ दो, यू लीव दिस टू मी। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वाई आर यू आस्किंग सो। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वाई आर यू आस्किंग सो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आई नीड टू टेल यू समथिंग। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आई नीड टू टेल यू समथिंग। हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक ऑन दिस लेटर। हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक ऑन दिस लेटर। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट। तुम लोग जाओ और मज़े करो, यू गाइज गो एंड हैव फन। तुम लोग जाओ और मज़े करो, यू गाइज गो एंड हैव फन। तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी, यू रुइंड ऑल माई हार्ड वर्क। तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी, यू रुइंड ऑल माई हार्ड वर्क। मैं हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ, आई ऑलवेज माइंड माई ओन बिजनेस। मैं हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ, आई ऑलवेज माइंड माई ओन बिजनेस। उसने मोबाइल खरीदा और बाद में उसे तोड़ दिया, ही बॉट अ मोबाइल एंड सब्सिक्वेंटली ब्रोक इट। उसने मोबाइल खरीदा और बाद में उसे तोड़ दिया, ही बॉट अ मोबाइल एंड सब्सिक्वेंटली ब्रोक इट। मुझे पता है, या तो तुम पढ़ाई करोगे या वीडियो गेम खेलोगे। आई नो आइदर यू विल स्टडी और यू विल प्ले वीडियो गेम्स। मुझे पता है, या तो तुम पढ़ाई करोगे या वीडियो गेम खेलोगे। आई नो आइदर यू विल स्टडी और यू विल प्ले वीडियो गेम्स। कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा, नेवर माइंड आई विल हैंडल हिम। कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा, नेवर माइंड आई विल हैंडल हिम। संभलते संभलते वह फिसल गया, वाइल ट्राइंग टू बी केयरफुल ही स्लिप्ड। संभलते संभलते वह फिसल गया, वाइल ट्राइंग टू बी केयरफुल ही स्लिप्ड। देखते देखते वह गायब हो गया, विद इन नो टाइम ही डिसअपियर्ड। देखते देखते वह गायब हो गया, विद इन नो टाइम ही डिसअपियर्ड। सोते सोते बिस्तर से मैं गिर पड़ा, आई फेल ऑफ द बेड वाइल स्लीपिंग। सोते सोते बिस्तर से मैं गिर पड़ा, आई फेल ऑफ द बेड वाइल स्लीपिंग। ना तो तुम ठीक से काम करते हो, ना तुम्हारा भाई। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर वर्क प्रॉपरली। ना तो तुम ठीक से काम करते हो, ना तुम्हारा भाई। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर वर्क प्रॉपरली। या तो तुम मेरे पैसे लौटाओगे या तुम्हारा भाई। आइदर यू रिटर्न माई मनी और योर ब्रदर। या तो तुम मेरे पैसे लौटाओगे या तुम्हारा भाई। आइदर यू रिटर्न माई मनी और योर ब्रदर। अपना अपना फ़ोन बंद कर दो, स्विच ऑफ योर रिस्पेक्टिव फोन्स। अपना अपना फ़ोन बंद कर दो, स्विच ऑफ योर रिस्पेक्टिव फोन्स।
उसने मेरी मजाक को सीरियस ले लिया और अब गुस्से में है। ही टुक माई जोक सीरियसली एंड नाउ ही इज़ एंग्री। उसने मेरे मजाक को सीरियस ले लिया और अब गुस्से में है। ही टुक माई जोक सीरियसली एंड नाउ ही इज़ एंग्री। वो हमेशा मस्त रहता है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ही ऑलवेज स्टेज कूल नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज। वो हमेशा मस्त रहता है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ही ऑलवेज स्टेज कूल नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज। उसने ये काम अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए किया। ही डिड दिस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसने ये काम अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए किया। ही डिड दिस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फ्रेंड्स। वो इतना टेंशन में रहता है पर अंदर से बहुत सिंपल है। ही शोज़ ऑफ अ लॉट बट इनसाइड ही इज़ वेरी सिंपल। वो इतना टेंशन में रहता है पर अंदर से बहुत सिंपल है। ही शोज़ ऑफ अ लॉट बट इनसाइड ही इज़ वेरी सिंपल। तुम्हारे पास दमदार प्लान है लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। यू हैव अ सॉलिड प्लान बट इट नीड्स टाइम। तुम्हारे पास दमदार प्लान है लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। यू हैव अ सॉलिड प्लान बट इट नीड्स टाइम। तुम इतने भी भोले नहीं हो जितना दिखते हो। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। तुम इतने भी भोले नहीं हो जितना दिखते हो। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपने दोस्त से उधार लिए। आई डिड नॉट हैव मनी सो आई बोरोड सम फ्रॉम माई फ्रेंड। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपने दोस्त से उधार लिए। आई डिड नॉट हैव मनी सो आई बोरोड सम फ्रॉम माई फ्रेंड। तुम्हारी बातों में दम है पर यह काम इतना आसान नहीं है। योर वर्ड्स हैव वेट बट दिस टास्क इज़ नॉट दैट ईजी। तुम्हारी बातों में दम है पर यह काम इतना आसान नहीं है। योर वर्ड्स हैव वेट बट दिस टास्क इज़ नॉट दैट ईजी। क्या आपको मुझे अपनी नोटबुक देने में आपत्ति होगी। वुड यू माइंड गिविंग मी योर नोटबुक। क्या आपको मुझे अपनी नोटबुक देने में आपत्ति होगी। वुड यू माइंड गिविंग मी योर नोटबुक। क्या मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है। मे आई गेट सम हेल्प। क्या मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है। मे आई गेट सम हेल्प। जब टीवी देखने की बारी आती है लाइट चली जाती है। व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग टीवी द लाइट्स गो ऑफ। जब टीवी देखने की बारी आती है लाइट चली जाती है। व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग टीवी द लाइट्स गो ऑफ। जब खेलने की बारी आती है वह मना कर देता है। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग ही डिनाइज। जब खेलने की बारी आती है वह मना कर देता है। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग ही डिनाइज। क्या उसने मेरा जिक्र किया। डिड ही मेंशन मी। क्या उसने मेरा जिक्र किया। डिड ही मेंशन मी। तुम यही चाहते थे ना। दिस इज़ व्हाट यू वांटेड। तुम यही चाहते थे ना। दिस इज़ व्हाट यू वांटेड। मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। आई मेक द मोस्ट ऑफ माई हॉलीडेज। मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। आई मेक द मोस्ट ऑफ माई हॉलीडेज। मैं अगले साल एक अच्छी जॉब में हो सकता हूँ। आई कुड बी इन अ गुड जॉब नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल एक अच्छी जॉब में हो सकता हूँ। आई कुड बी इन अ गुड जॉब नेक्स्ट ईयर। पानी की तलाश में कौवा दूर तक भटकता रहा। द क्रो वॉन्डर्ड फार एंड वाइड इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की तलाश में कौवा दूर तक भटकता रहा। द क्रो वॉन्डर्ड फार एंड वाइड इन सर्च ऑफ वाटर। मुझे पैसे उधार लेते हुए शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ बोरोइंग मनी। मुझे पैसे उधार लेते हुए शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ बोरोइंग मनी। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। आई एम रनिंग लेट फॉर द मीटिंग। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। आई एम रनिंग लेट फॉर द मीटिंग। ट्रेन में चढ़ने से पहले अपना टिकट चेक करें। चेक योर टिकट बिफोर यू बोर्ड द ट्रेन। ट्रेन में चढ़ने से पहले अपना टिकट चेक करें। चेक योर टिकट बिफोर यू बोर्ड द ट्रेन। तुम क्या झांक रहे हो। व्हाट आर यू पीपिंग एट। तुम क्या झांक रहे हो। व्हाट आर यू पीपिंग एट। जो हो गया सो हो गया। व्हाट इज डन इज डन। जो हो गया सो हो गया। व्हाट इज डन इज डन। तुम कब से जॉब कर रही हो।
सिंस वेन हैव यू बीन डूइंग जॉब, तुम कब से जॉब कर रही हो? सिंस वेन हैव यू बीन डूइंग जॉब। एक बात को बार बार मत दोहराओ, डोंट रिपीट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। एक बात को बार बार मत दोहराओ, डोंट रिपीट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। उसे अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है, ही हैज़ स्टार्टेड लाइकिंग बींग अलोन। उसे अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है, ही हैज़ स्टार्टेड लाइकिंग बींग अलोन। एक मैं हूँ जो रोज़ आपसे बात करता हूँ, आई एम द वन हु टॉक्स टू यू एवरी डे। एक मैं हूँ जो रोज़ आपसे बात करता हूँ, आई एम द वन हु टॉक्स टू यू एवरी डे। कुछ लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो, डोंट गिव टू मच इम्पॉर्टेंस टू सम पीपल। कुछ लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो, डोंट गिव टू मच इम्पॉर्टेंस टू सम पीपल। आज हवा बिल्कुल बंद है, टुडे विंड इज स्टिल। आज हवा बिल्कुल बंद है, टुडे विंड इज स्टिल। जल्दी आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम अर्ली। जल्दी आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम अर्ली। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। आपके बारे में ही बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू। आपके बारे में ही बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू। तुम्हें यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, यू वॉन्ट लैक एनी थिंग हियर। तुम्हें यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, यू वॉन्ट लैक एनी थिंग हियर। मुझमें आत्मविश्वास की कमी है, आई लैक कॉन्फिडेंस। मुझमें आत्मविश्वास की कमी है, आई लैक कॉन्फिडेंस। अपना गुस्सा निकाल दो, वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन। अपना गुस्सा निकाल दो, वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन। उसको ठीक होने में समय लग सकता है, हिज रिकवरी मे टेक लॉन्ग। उसको ठीक होने में समय लग सकता है, हिज रिकवरी मे टेक लॉन्ग। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, कैन एनी वन हेल्प मी। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, कैन एनी वन हेल्प मी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, होप यू अंडरस्टैंड। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, होप यू अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, डू यू नीड एनी थिंग। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, डू यू नीड एनी थिंग। वे बाज़ार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। वे बाज़ार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। मुझे तो लूडो तक नहीं आती, शतरंज तो दूर की बात है। आई डोंट नो इवन हाउ टू प्ले लूडो, लेट अलोन चेस। मुझे तो लूडो तक नहीं आती, शतरंज तो दूर की बात है। आई डोंट नो इवन हाउ टू प्ले लूडो, लेट अलोन चेस। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड टुक अ डीप ब्रीथ। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड टुक अ डीप ब्रीथ। मैं गरीबों को भोजन बांटता हूँ, आई गिव अवे फूड टू पुअर पीपल। मैं गरीबों को भोजन बांटता हूँ, आई गिव अवे फूड टू पुअर पीपल। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो, मे बी ही हैज टोल्ड एवरी वन। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो, मे बी ही हैज टोल्ड एवरी वन। उसे घर पे रहना अच्छा लगता है, ही इज अ होम बॉडी। उसे घर पे रहना अच्छा लगता है, ही इज अ होम बॉडी। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, ही इज अ बिग माउथ। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, ही इज अ बिग माउथ। हर बात पर चिक चिक करना छोड़ दो, स्टॉप नैगिंग अबाउट एवरीथिंग। हर बात पर चिक चिक करना छोड़ दो, स्टॉप नैगिंग अबाउट एवरीथिंग। तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू आंसर योर क्वेश्चंस। फ़िलहाल वो यहाँ काम कर रही है, एज ऑफ नाउ शी इज़ वर्किंग हियर।
फिलहाल वो यहाँ काम कर रही है। एज ऑफ नाउ शी इज़ वर्किंग हियर। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ। उसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। ही हैज़ अ शॉर्ट फ्यूज़। उसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। ही हैज़ अ शॉर्ट फ्यूज़। अगर उसने खाया होता तो वो मुझे बता चुका होता। इफ़ ही हैड ईटन ही वुड हैव टोल्ड मी। अगर उसने खाया होता तो वो मुझे बता चुका होता। इफ़ ही हैड ईटन ही वुड हैव टोल्ड मी। भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। इवन इफ़ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज एवरी थिंग। भले ही वो स्कूल कभी नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। इवन इफ़ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज एवरी थिंग। हालांकि मैं गरीब हूँ पर इसके बावजूद मैं तुम्हें पैसे से मदद करने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो आई एम पुअर येट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विथ मनी। हालांकि मैं गरीब हूँ पर इसके बावजूद मैं तुम्हें पैसों से मदद करने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो आई एम पुअर येट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विथ मनी। तुम तो ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ़ यू नो एवरी थिंग। तुम तो ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता है। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ़ यू नो एवरी थिंग। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ़ आई एम योर एनिमी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ़ आई एम योर एनिमी। क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं। कुड यू प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट। क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं। कुड यू प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट। इस काम के लिए कौन जिम्मेदार है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। इस काम के लिए कौन जिम्मेदार है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। माई मोबाइल स्क्रीन इज़ ब्रोकन। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। माई मोबाइल स्क्रीन इज़ ब्रोकन। मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गया हूँ। आई हैवेंट गोन आउट फॉर मैनी डेज। मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गया हूँ। आई हैवेंट गोन आउट फॉर मैनी डेज। आज पूरा दिन घर पर अकेले ही बिताया। आई स्पेंड द होल डे अलोन एट होम टूडे। आज पूरा दिन घर पर अकेले ही बिताया। आई स्पेंड द होल डे अलोन एट होम टूडे। मैंने टिकट बुक कर दिए हैं। आई हैव बुकड द टिकट्स। मैंने टिकट बुक कर दिए हैं। आई हैव बुकड द टिकट्स। मैं रोज़ सुबह योग करता हूँ। आई डू योगा एवरी मॉर्निंग। मैं रोज़ सुबह योग करता हूँ। आई डू योगा एवरी मॉर्निंग। मुझे गाली सुनने की आदत है। आई एम हैबिचुअल टू लिसन टू अब्यूज़र्स। मुझे गाली सुनने की आदत है। आई एम हैबिचुअल टू लिसन टू अब्यूज़र्स। चाहे कोई कुछ भी कहे उसके जैसा कोई लीडर नहीं है। नो मैटर वॉट एनी वन सेज देर इज़ नॉट अनदर लीडर लाइक हिम। चाहे कोई कुछ भी कहे उसके जैसा कोई लीडर नहीं है। नो मैटर वॉट एनी वन सेज देर इज़ नॉट अनदर लीडर लाइक हिम। आप सुनी सुनाई बातों में यकीन मत किया करो। यह सच नहीं होता है। डोंट गिव इन टू हियरसे दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। आप सुनी सुनाई बातों में यकीन मत किया करो। यह सच नहीं होता है। डोंट गिव इन टू हियरसे दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। मुझे दो दिनों से बुखार हो रहा है। आई हैव बीन डाउन विथ फीवर फॉर टू डेज। मुझे दो दिनों से बुखार हो रहा है। आई हैव बीन डाउन विथ फीवर फॉर टू डेज। मैं कुछ ज़्यादा ही मिठाई खा बैठा। आई एंडेड अप हैविंग स्वीट्स अ बिट टू मच। मैं कुछ ज़्यादा ही मिठाई खा बैठा। आई एंडेड अप हैविंग स्वीट्स अ बिट टू मच।
मैं यह ड्रेस अब और नहीं पहन सकती, ये मेरी छोटी हो गई है। आई कांट वेयर दिस ड्रेस एनी मोर, आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट। मैं यह ड्रेस अब और नहीं पहन सकती, ये मेरी छोटी हो गई है। आई कांट वेयर दिस ड्रेस एनी मोर, आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट। कड़ी मेहनत करने के बजाय वह दिन में सपने देख रहा है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ही इज़ डे ड्रीमिंग। कड़ी मेहनत करने के बजाय वह दिन में सपने देख रहा है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ही इज़ डे ड्रीमिंग। नहाने के बाद त्वचा मॉइस्चराइज हो जाती है। द स्किन गेट्स मॉइस्चराइज्ड आफ्टर बाथिंग। नहाने के बाद त्वचा मॉइस्चराइज हो जाती है। द स्किन गेट्स मॉइस्चराइज्ड आफ्टर बाथिंग। मैं दिन में दो बार नहाती हूँ। आई टेक शावर टू टाइम्स अ डे। मैं दिन में दो बार नहाती हूँ। आई टेक शावर टू टाइम्स अ डे। मैंने वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो डाले हैं। आई हैव पुट माई क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन टू वॉश देम। मैंने वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो डाले हैं। आई हैव पुट माई क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन टू वॉश देम। उसने बिना धोए ही नई शर्ट पहन ली। शी पुट ऑन अ न्यू शर्ट विदाउट वॉशिंग इट। उसने बिना धोए ही नई शर्ट पहन ली। शी पुट ऑन अ न्यू शर्ट विदाउट वॉशिंग इट। मेरे पास अलग अलग ब्रांड के कई साबुन हैं। आई हैव मैनी सोप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। मेरे पास अलग अलग ब्रांड के कई साबुन हैं। आई हैव मैनी सोप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। मैंने बहुत मेहनत से कमरे की सफाई की। आई क्लीन द रूम विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। मैंने बहुत मेहनत से कमरे की सफाई की। आई क्लीन द रूम विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। तुमने आज रवि को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। वाई डिड नॉट यू लेट रवि गो टू स्कूल टूडे। तुमने आज रवि को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। वाई डिड नॉट यू लेट रवि गो टू स्कूल टूडे। क्या आपके वकील ने सलाह नहीं दी है। हैज़ योर लॉयर नॉट गिवन एडवाइस। क्या आपके वकील ने सलाह नहीं दी है। हैज़ योर लॉयर नॉट गिवन एडवाइस। तुमने आज क्या पकाया है। वट हैव यू कुकड टूडे। तुमने आज क्या पकाया है। वट हैव यू कुकड टूडे। इस लड़की को यहाँ किसने बुलाया है। हु हैज़ कॉल्ड दिस बॉय हियर। इस लड़की को यहाँ किसने बुलाया है। हु हैज़ कॉल्ड दिस बॉय हियर। मैं इसका क्या करूँ। वॉट शुड आई डू विथ दिस। मैं इसका क्या करूँ। वॉट शुड आई डू विथ दिस। तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई देता। यू कांट सी एनी थिंग एल्स। तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई देता। यू कांट सी एनी थिंग एल्स। कम से कम यह तो बताओ कि रवि गया कहाँ है। एट लीस्ट टेल मी वेयर हैज़ रवि गोन। कम से कम यह तो बताओ कि रवि गया कहाँ है। एट लीस्ट टेल मी वेयर हैज़ रवि गोन। तुम क्यों नहीं समझते वह तुम्हें मुसीबत में डाल रहा है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड ही इज़ गेटिंग यू इन टू ट्रबल। तुम क्यों नहीं समझते वह तुम्हें मुसीबत में डाल रहा है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड ही इज़ गेटिंग यू इन टू ट्रबल। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक हाफ एन आवर मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक हाफ एन आवर मोस्ट। अचानक से आने वाली तेज हवा के चलते नौका डगमगाने लगी। द बोट बिकेम अनस्टेबल ड्यू टू द स्क्वेल। अचानक से आने वाली तेज हवा के चलते नौका डगमगाने लगी। द बोट बिकेम अनस्टेबल ड्यू टू द स्क्वेल। दरवाजे के नीचे से आने वाली हवा ठंडी थी। द ड्राफ्ट कमिंग फ्रॉम अंडर द डोर वॉज कोल्ड। दरवाजे के नीचे से आने वाली हवा ठंडी थी। द ड्राफ्ट कमिंग फ्रॉम अंडर द डोर वॉज कोल्ड। मुझे खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट। मुझे खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट। अपनी तारीफ करना बंद करो। स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। अपनी तारीफ करना बंद करो। स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। उसके पास बोलने की अच्छी क्षमता है। ही हैज़ गुड स्पीकिंग स्किल्स। उसके पास बोलने की अच्छी क्षमता है। ही हैज़ गुड स्पीकिंग स्किल्स। मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स।
मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट। मैं उसे बस देखता रहा। आई कंटिन्यूड वॉचिंग हर। मैं उसे बस देखता रहा। आई कंटिन्यूड वॉचिंग हर। रिया ने कहा, और तुमने मान लिया? रिया सेड एंड यू बिलीव्ड हर। रिया ने कहा, और तुमने मान लिया? रिया सेड एंड यू बिलीव्ड हर। तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं। दिस इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं। दिस इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस। उससे कहो उसकी बात ना करे। टेल हिम नॉट टू टॉक अबाउट हर। उसे कहो उसकी बात ना करे। टेल हिम नॉट टू टॉक अबाउट हर। उसको बाहर इंतज़ार करने के लिए कहो। टेल देम टू वेट आउटसाइड। उसको बाहर इंतज़ार करने के लिए कहो। टेल देम टू वेट आउटसाइड। वे बेवकूफ़ बनाने में निपुण हैं। दे आर वेल वर्स्ड इन मेकिंग फूल। वे बेवकूफ़ बनाने में निपुण हैं। दे आर वेल वर्स्ड इन मेकिंग फूल। मैं स्विमिंग में अच्छा हो जाऊँगा। आई विल बी गुड एट स्विमिंग। मैं स्विमिंग में अच्छा हो जाऊँगा। आई विल बी गुड एट स्विमिंग। तुम्हें पढ़ाते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टीचिंग यू। तुम्हें पढ़ाते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टीचिंग यू। सबको लग ही रहा था कि कुछ बुरा होगा। एवरीवन हैड अ फीलिंग दैट समथिंग वुड गो रॉन्ग। सबको लग ही रहा था कि कुछ बुरा होगा। एवरीवन हैड अ फीलिंग दैट समथिंग वुड गो रॉन्ग। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड। ये तो तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है। इट इज़ रिटन ऑल ओवर योर फेस। ये तो तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है। इट इज़ रिटन ऑल ओवर योर फेस। उसकी खरीदारी हो गई या नहीं? इज शी डन शॉपिंग और नॉट। उसकी खरीदारी हो गई या नहीं? इज शी डन शॉपिंग और नॉट। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। गुडनेस इज नो मोर इन द वर्ल्ड। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। गुडनेस इज नो मोर इन द वर्ल्ड। हमने उनको वहाँ बुलाया ही क्यों? वाई डिड वी इवन कॉल देम देयर। हमने उनको वहाँ बुलाया ही क्यों? वाई डिड वी इवन कॉल देम देयर। अब क्या वो अनपढ़ ही रहेगी? Now will she keep illiterate only? अब क्या वो अनपढ़ ही रहेगी? Now will she keep illiterate only? मैंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है। I have cut down on meeting people. मैंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है। I have cut down on meeting people. खेलना कम कर दो, परीक्षा नज़दीक है। Cut down on playing. Exams are near. खेलना कम कर दो, परीक्षा नज़दीक है। कट डाउन ऑन प्लेइंग, एग्जाम्स आर नियर। तुम इतना क्यों उछल रहे हो? वाई आर यू जम्पिंग अराउंड। तुम इतना क्यों उछल रहे हो? वाई आर यू जम्पिंग अराउंड। मैं खुशी से उछलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू जम्प अराउंड। मैं खुशी से उछलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू जम्प अराउंड। कुछ ना कुछ तो वह कह रही है। She is saying something or other. कुछ ना कुछ तो वह कह रही है। She is saying something or other. कोई ना कोई मुझे जरूर देखेगा। Someone or other will surely see me. कोई ना कोई तो मुझे जरूर देखेगा। Someone or other will surely see me. उसने परिस्थिति को बहुत जल्दी भांप लिया। He seized up the situation very quickly. उसने परिस्थिति को बहुत जल्दी भांप लिया। He seized up the situation very quickly. मैं आपकी योजना के बारे में विचार करूँगा। I will see about your plan. मैं आपकी योजना के बारे में विचार करूँगा। I will see about your plan. मैं शीशे के आर पार देख सकता हूँ। I can see through the glass. मैं शीशे के आर पार देख सकता हूँ। I can see through the glass. कोई भी उसके सच का पता लगा सकता है। Anyone can see through her truth. कोई भी उसके सच का पता लगा सकता है।
Anyone can see through her truth. तुम अभी तक वहाँ क्यों नहीं जा पाए हो? Why haven't you been able to go there yet? तुम अभी तक वहाँ क्यों नहीं जा पाए हो? Why haven't you been able to go there yet? मुझे साफ तौर पर याद है तुम वहाँ नहीं आए थे. I distinctly remember that you did not come there. मुझे साफ तौर पर याद है तुम वहाँ नहीं आए थे. I distinctly remember that you did not come there. मुझे साफ साफ याद है कि वो हरे रंग का सूट पहना हुआ था. I distinctly remember that he was wearing a green suit. मुझे साफ साफ याद है कि वो हरे रंग का सूट पहना हुआ था. I distinctly remember that he was wearing a green suit. चिंता मत करो, मैं खुद ही इससे निपट लूँगा. Don't worry, I myself will tackle it. चिंता मत करो, मैं खुद ही इससे निपट लूँगा. Don't worry, I myself will tackle it. शुरू शुरू में तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. At first, I did not like him at all. शुरू शुरू में तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. At first, I did not like him at all. जैसे हो वैसे ही आ जाओ, वरना मैं निकल जाऊंगा. Come as you are, or else I will leave. जैसे हो वैसे ही आ जाओ, वरना मैं निकल जाऊंगा. Come as you are, or else I will leave. तुम कुछ भी करने से पहले कुछ सोचते क्यों नहीं हो? Why don't you think before doing anything? तुम कुछ भी करने से पहले कुछ सोचते क्यों नहीं हो? Why don't you think before doing anything? सिर्फ पन्ने मत पलटो, पढ़ाई भी करो. डोंट जस्ट टर्न द पेजेस, स्टडी एज वेल. सिर्फ पन्ने मत पलटो, पढ़ाई भी करो. डोंट जस्ट टर्न द पेजेस, स्टडी एज वेल. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो वहाँ नहीं जा रहा. एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम नॉट गोइंग देयर. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो वहाँ नहीं जा रहा. As far as I am concerned, I am not going there. उसे हल्के में मत लेना. Don't underestimate him. उसे हल्के में मत लेना. Don't underestimate him. Translate it. स्कूटी पर बैठो. इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.